electric potential at any point on equatorial line of any point, on equatorial line of a dipole. So at any point due to a point charge, किसी point charge की वजह से अगर किसी point पर let a distance of r, we find out electric potential at point P. Formula we know very well, V is equal to Q upon 4 pi epsilon naught r. This is the formula for finding out electric potential at any point due to a point charged. So point charge or charged body से distance r distance पर electric potential निकालने का ये हमारे पास formula है. So now topic हमारा equatorial line का है. So let us consider this is a electric dipole. This is negative charge, negative Q, and this is positive Q. This is the center of electric dipole. And this line is equatorial line of this dipole. And a point P are present here at a distance of R from the dipole. So dipole से R distance पे एक point P हमारा प्रेजेंट है और हमारा टारगेट भी इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का है ड्यू टू डाइपोल. वी नो लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2a. नाउ नेगेटिव चार्ज जो हमारा रखा हुआ है पॉइंट ए एंड पॉजिटिव चार्ज पॉइंट बी पर रखा हुआ है. नाउ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट पी, this is the distance between point A and point B using Pythagoras. This is A and this is R. So A square plus R square is the distance between point A and point P. Similarly, we draw this distance and this distance also A square plus R square, right? Now potential due to negative charge, पहले इसकी थ्योरी बनानी है. तो थ्योरी में आपको क्या पुट करना है भाई, let a point P R present on equatorial line of a dipole at a distance of R from the center of dipole and the length of dipole is 2a. Now let us consider V negative be the electric potential at point P due to negative Q charge. Negative Q की वजह से हमारा जो potential है वो V negative Q. So V negative Q is equal to negative Q upon 4 pi epsilon naught under root distance A स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारी ए पी, इक्वेशन फर्स्ट. एंड वी पॉजिटिव क्यू बी द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज. तो पॉजिटिव क्यू की वजह से V positive Q is equal to Q upon 4 pi epsilon naught, दोनों का डिस्टेंस, BP का डिस्टेंस हमारा वही फिर से अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, इक्वेशन सेकेंड. नाउ नेट पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से टोटल पोटेंशियल हमारा कितना होगा. V इज इक्वल टू V नेगेटिव प्लस V positive. So put the value negative Q upon 4 pi epsilon naught
under root a square plus r square plus q upon 4 pi epsilon naught under root a square plus r square. Now एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों, सो नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू जीरो एट पॉइंट P, बिकॉज पॉइंट P आर प्रेजेंट ऑन इक्विटोरियल लाइन. सो गाइज, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो है, बट टोटल पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इज जीरो. सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो पॉइंट बताइए जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो होती है बट पोटेंशियल जीरो होता है. सो एक्सियल लाइन पर इंटेंसिटी भी है और पोटेंशियल भी है, बट किसी भी डाइपोल की इक्विटोरियल लाइन पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो होती है, लेकिन इक्विटोरियल लाइन पर जो पॉइंट होंगे उन पर पोटेंशियल जीरो होगा. सो क्वेश्चन, पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट जीरो. सो वो पॉइंट बताइए जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो जीरो होता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होती. तो आंसर आपका, एवरी पॉइंट या पॉइंट एट इक्विटोरियल लाइन ऑफ एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्विटोरियल लाइन पर जो पॉइंट प्रेजेंट होते हैं उन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो जीरो होता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होती. थैंक यू. इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसके न्यूमेरिकल में भी, अगर आपको कोई डाइपोल दिया हुआ है और डाइपोल के इक्विटोरियल लाइन पर वो डाइपोल का डाइपोल मोमेंटम भी दे देगा, उसकी लेंथ भी दे देगा, चार्ज की वैल्यू भी बता देगा, और इक्विटोरियल लाइन पर अगर पॉइंट कोई दिया हुआ है और उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसने पूछ लिया सारी चीज़ें देने के बाद, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि पॉइंट चाहे कोई भी हो, चाहे ऊपर हो थोड़ा आर कम हो डिस्टेंस, कहीं पर भी पॉइंट हो इक्विटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा हमेशा जीरो होगा, बट एट एक्सियल लाइन और एट एनी पॉइंट पोटेंशियल जीरो नहीं होता. सो उन पर आपको फॉर्मूले का यूज करके फाइंड आउट करना है, बट इक्विटोरियल लाइन पे आप सीधा जीरो लिख सकते हैं. अगर एक नंबर का क्वेश्चन है और अगर उसने एक्सप्लेनेशन मांगा है तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर उसको आगे सोल्व करना है. थैंक यू.